Hey guys, what's up everybody? This is Puneet and welcome back to my channel. So guys, आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग जिसके आप होम स्क्रीन पे देख सकते हो. एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में मैंने जो बैकग्राउंड्स एंड पीएनजी यूज किए उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो गाइस, वहां से डाउनलोड कर लेना. सो गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले गाइस, आपको ये वाला बैकग्राउंड ओपन करना है. एंड गाइस, आपको टूल्स में जाना है. एंड गाइस, क्रॉप में जाके इसको थोड़ा क्रॉप कर लेना. ओके गाइस, सो मैं कुछ इस टाइप से क्रॉप कर लेता हूँ इसे. एंड गाइस, अब आपको सिंपली ऐड फोटो में जाना है. ओके, सो गाइस, मैंने एक फोटो शूट करवा रखा है कुछ इस टाइप का. सो गाइस, आप भी करवा सकते हो. सो आपको जो गाइस इसका साइज जो बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से. एंड गाइस, आपको जो है इसे मैनेज कर लेना है यहाँ पे. ओके, एंड गाइस, अब आपको जो है इसे डन कर देना है. सो मैं जो है पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसका साइज. ओके, मैं कुछ इस टाइप से मैनेज कर लेता हूँ. एंड गाइस, अब आपको डन कर देना है. ओके, सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी फोटो एडिट करूँ तो गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे जो अपनी फोटोज़ को जो सेंड कर देना है. ओके गाइस, सो हमारा स्टेप जो कंप्लीट हो गया. एंड गाइस, अब आपको टूल्स में जाना है. एंड गाइस, एडजस्ट में जाना है. एडजस्ट में गाइस इसका अमाउंट जो है ब्राइटनेस को आपको कर देना है 0. एंड गाइस, इरेजर टूल पे क्लिक करके इन्वर्ट कर देना है. एंड गाइस, ड्रॉ टूल में जाना है. हार्डनेस बढ़ानी है, साइज को कम कर लेना है. ओके गाइस, एंड गाइस, आपको जो है इसे ड्रॉ कर देना है अपने शूज़ के नीचे. आपको इसकी शैडो बना लेनी है. ओके गाइस, सो मैं जो वीडियो की स्पीड बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ. ओके, सो गाइस, मैंने जो शैडो बना लिया. एंड गाइस, आपको फिर से ड्रॉ टूल में जाना है. एंड गाइस, इसकी हार्डनेस को आपको कर देना है 20 या 30 के आसपास. ओके, सो मैं जो 30 के आसपास इसे कर देता हूँ. एंड गाइस, अब आपको सिंपली से ड्रॉ कर देना है अपने शूज़ पे. ओके, सो मैं जो कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देता हूँ जैसे आप देख सकते हो. आपको गाइस अपने शूज़ पे ड्रॉ कर देना है. ओके, एंड गाइस, अब आपको इसकी थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ानी है. एंड गाइस, ओपेसिटी को भी बढ़ा लेना है. एंड गाइस, आपको अपने कपड़ों पे से ड्रॉ कर देना है कुछ इस टाइप से जैसे कि मैं कर रहा हूँ. ओके, सो मैंने जो कर लिया. एंड गाइस, अब आपको फिर से रेजर टूल पे ड्रॉ टूल पे क्लिक करना है. हार्डनेस को कम करना है, ओपेसिटी को कम करना है, साइज को फुल कर लेना है. ओके, एंड गाइस, आपको ड्रॉ कर देना है इसे पूरे में एरिया में. ओके, सो मैं कुछ इस टाइप से जो ड्रॉ कर लेता हूँ. सो गाइस, इससे जो काफ़ी ऑसम लुक मिलेगा हमारी फोटो को. सो मैंने जो कर लिया. एंड गाइस, अब जो है मैं इसे डन कर देता हूँ. सो गाइस, डन करने के बाद आपको सिंपली ऐड फोटो में जाना है. एंड गाइस, आपको ये वाला पीएनजी मिलेगा. आपको इसके गाइस सिंपली लेयर पे क्लिक करके इसके डुप्लीकेट्स बना लेने हुए. एंड गाइस, अब आपको स्क्रॉल डाउन करके ब्लेंड में जाना है. एंड गाइस, इसे स्क्रीन कर देना है. ओके, सो मैं कुछ स्टेप से इसका साइज कम कर लेता हूँ. एंड गाइस, फिर से आपको ब्लेंड में जाना है, स्क्रीन कर देना है. एंड गाइस, आपको इसे कुछ स्टेप से मैनेज कर लेना है जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको. तो गाइस, आपको कुछ स्टेप से मैनेज कर लेना है जैसे कि मैं कर लेता हूँ. ओके, एंड गाइस, आपको अगला वाला जो है गाइस दूसरा वाला आपको कुछ स्टेप से मैनेज कर लेना है. तो गाइस, इसकी जो आपको साइज जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से. एंड गाइस, आपको डन कर देना है. डन करने के बाद गाइस, आपको सिंपली ड्रॉ टूल में जाके इसे सेव कर लेना है ये वाले ड्रॉ टूल में. ओके, एंड गाइस, थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज कर लेना है. सो गाइस, हमारी फोटो जो सेव होगी गैलरी में. सो गाइस, हम बाकी की जो रिटचिंग है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करते हैं इस फोटो को. ओके गाइस, सो गाइस, मैंने अपने फोटो को जो ओपन कर लिया लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर. सो गाइस, सबसे पहले हम जाते हैं एक्सपोजर वाले में. ओके गाइस, सो गाइस, इसका जो एक्सपोजर वो हम थोड़ा कम कर लेंगे. एंड गाइस, कॉन्ट्रास्ट को जो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे. सो कॉन्ट्रास्ट को जो गाइस मैं अपने 15 पे कर देता हूँ. एंड गाइस, इसकी शेडोज को जो आपको कम कर लेना है कुछ इस टाइप से. सो गाइस, 32 पे या 31 पे मैं कर लेता हूँ. एंड गाइस, अब आपको नेक्स्ट वाले टूल में जाना है. एंड गाइस, मिक्स में जाना है आपको. एंड गाइस, इसकी जो रेड कलर की सैचुरेशन है वो आपको कर देनी है फुल. ओके गाइस, एंड गाइस, अब आपको येलो कलर की सैचुरेशन जो है फुल कर देनी है कुछ इस टाइप से. सो गाइस, मैं जो फुल कर देता हूँ. ओके, एंड गाइस, अब आपको ब्लू कलर की सैचुरेशन को फुल कर देना है. ओके गाइस, एंड ब्लू की जो एंड गाइस, अब इसको भी आपको जो है फुल कर देना है. ओके, एंड गाइस, अब आपको डन कर देना है. डन करने के बाद गाइस, आपको इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा लेना है. सो गाइस, जैसे कि मैं बढ़ा लेता हूँ 6 पर. ओके, एंड गाइस, अब आपको नेक्स्ट टूल में जाना है. एंड गाइस, इसका जो टेक्सचर है वो गाइस आपको हल्का सा बढ़ा लेना है. सो गाइस, मैं जो पहले देख लेता हूँ. सो गाइस, मैं जो 10 पे से कर देता हूँ. ओके गाइस, एंड गाइस, इसकी जो क्लैरिटी है वो भी आपको कर देनी है 15 पर. ओके, एंड गाइस, इसका जो विंटेज है वो आपको कर लेना है कम 25 के आसपास. ओके, एंड गाइस, मिड पॉइंट को भी आपको कम कर लेना है. सो मैं जो मिड पॉइंट को गाइस 30 पर रख देता हूँ. ओके गाइस, एंड आपको नेक्स्ट वाले टूल में जाना है. एंड गाइस, शार्पनिंग आपको बढ़ानी है फोटो की. सो इसमें जो 20 पे शार्पनिंग को जो कर लेता हूँ. एंड गाइस, नॉइस रिजेक्शन आपको बढ़ा लेनी है 20 पर. ओके गाइस, एंड गाइस, आपको कलर्स नॉइस रिजेक्शन को भी बढ़ा लेना है. सो गाइस, मैं 25 पे रख देता हूँ कलर्स नॉइस रिजेक्शन को. एंड गाइस, स्मूथनेस आपको बढ़ा लेनी है 70 पे कर देनी है. ओके गाइस, ओके, सो गाइस, अब आपको सिंपली पहले फोटो को अपने फोटो को गाइस जूम कर लेना है. एंड गाइस, सिलेक्टिव टूल में जाना है. एंड गाइस, प्लस पे क्लिक करना है. एंड गाइस, आप देख दो सर्कल वाला सिलेक्ट कर लेना है. एंड गाइस, अब आपको कुछ स्टेप से ड्रॉ कर देना है यहाँ पे. ओके गाइस, एंड गाइस, एक्सपोजर वाले फोल्डर में जाना है. इसका गाइस एक्सपोजर जो है आपको बढ़ा लेना है. ओके, एंड गाइस, अब आपको फिर से प्लस करना है. ओके गाइस, एंड गाइस, आपको एक बार एक मैनेज कर लेना है कुछ स्टेप से. ओके, एंड गाइस, एक्सपोजर पे जाना है. एंड गाइस, इसका जो एक्सपोजर है वो आपको बढ़ाना है. सो गाइस, अब आपको डन कर देना है. ओके, सो गाइस, हमारी फोटो एडिटिंग जो है कंप्लीट हो गई रिटचिंग. सो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ.
सो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो ये बिफोर जब पहले का फोटो जो हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से एडिट किया था एंड गाइस आफ्टर सो गाइस देख सकते हो आप काफी ऑसम लुक मिल रहा है हमारी फोटो एडिटिंग में। सो गाइस आपको इसे सिंपली सेव करने के लिए शेयर के बटन पे क्लिक करना है एंड गाइस सेव टू डिवाइस कर देना है। ओके सो मैं जो सेव टू डिवाइस कर देता हूं गाइस हमारी फोटो जो सेव हो जाएगी गैलरी में। ओके सो गाइस आपको ये फोटो एडिटिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।